नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मुकेश भाई और रतन दाता दोनों के चर्चे किसने नहीं सुने होंगे। मतलब जहां एक हस्बैंड स्कूल का खर्चा नहीं करते, वही मुकेश अंबानी ने एक नहीं तीन बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट लेचरी कार्ड के अलावे अंबानी के साथ सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें, ये रहते तो बस इत्तो से बंगले में, पर इसके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। 6 कंपनीज और 135 कंपनीज किसकी जेब भरी होगी? वेल, इसका जवाब शायद ही होगा किसी के पास, पर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दे इसका जवाब। वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान टाटा मुकेश अंबानी के पास है, पर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए, आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शौक से भरा ये सफर, मुकेश अंबानी VS रतन टाटा, किसका शौक है ज्यादा। नंबर 1, ऐसे थे दोनों की कंपनी की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेटवर्क आज 5,00,000 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन 21,000 से 5,00,000 करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 ने जेम्सी टाटा जी का स्ट्रगल 34 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से रेजुएशन खत्म करते ही उन पर घर की जिम्मेदारियां आ गई, जिन्हें उसे पूरा करने के लिए 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पाँव जम गए, वैसे ही जमसेन जी ने नागपुर में नी पहली टेक्सटाइल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा बस उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि सपने को पूरा होते देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के नक्श के दम पर चलते हुए जमजेश जी के बेटे दोराबजी टाटा की आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रोलिक पावर स्ट्रेबिट कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी और टाटा भाई ने ली, और पुरानी 14 कंपनी को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ JID टाटा ने टाटा एलायंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब की बात इन तीन पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवर टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है। बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है, तभी तो कंपनी का नेटवर्क आज 5,00,000 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी बिल्डिंग पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गेस बिल्कुल सही है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था, और हमारे भी पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाली सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसा जमा होने पर विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई के एक चौल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यांस में कॉम्पेट करता था। और जैसे ही मसालों और यांस के धंधे में सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों बिजनेस भी शुरू कर दिया, पर विमल को लुभाने में फेल हुआ, इसीलिए उसे कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में
लोगों से मिस करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का नाम भी खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है। जिस टाइम इन्हें लोग जानते नहीं थे, उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने विमल की आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 करोड़ रेवेन्यू वाले लाइन्स का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते लाइन्स एंड रेस्टेड का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाई की बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्क जीरो हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्क 7,900 करोड़ डॉलर्स है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी इन दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन नेटवर्क वाले मुकेश अंबानी रिलायंस डिटेल्स, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी की कई कंपनी की मालिक हैं। परंतु वही 135 कंपनी की सबसे रिच होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्क हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया। पर आखिर क्यों, तो आइए आज जानते हैं। वेल, ये सब तो हम सभी को पता है कि रिलायंस एग्डस्टिक की लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ही काम कर रही है, लेकिन वही टाटा ग्रोल हॉर्मोन्स में ही काम कर रहा है, जैसे कि स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो ये कंपनी ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप के मार्केट का कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्क आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं बताती हूँ कि मुकेश अंबानी का नेटवर्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में 48% शेयर्स के मालिक हैं, और जब शेयर्स के आधे लगभग नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्क 88 मिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वही अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रक्स जैसे सर रतन टाटा ट्रक, डोरबाजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग एक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनी मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो ना शायद वो इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है जबकि जनरल पैसा रतन टाटा के पास है? ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे, घर गाड़ी पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों दिखते हैं एक के खर्चे और दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका ही पैसा ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों जोरों से हुए थे। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक ERP है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई है और जिसके अप्रोच की कीमत 700 करोड़ है। और जब
पति इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो बीवी क्यों पीछे रहे। इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडियन का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सरी AMG G63S साथ लेके घूमते हैं। और तो और अपने इंटीरियर में गर्मी में स्नो कॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से रूम तक बनवाया है। लेकिन वही अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग ही रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है और साथ ही अपने पैसे को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर को खुद को स्पेंस करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर फसलने लगी है। फिर चाहे वो वाटर सेनिंग हो या स्पोर्ट्स या मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या सोशल जस्टिस क्यों ना हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना पब्लिसिटी के काम कर रहा है से तो साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू इथिस इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन एक गुलाब भी खरीद लेता है तो इनकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। और दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। और इसकी वजह है इनका खुद वो काम छुप छुप के करना। पर आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, वैसे दूसरे का छोटे से छोटे खर्चा लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना कहीं में जरूरी है? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार हम फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।